इंसान अपनी जीवन यात्रा में काफ़ी जगह पे अवलंबित रहता है, काफ़ी लोगों के ऊपर डिपेंड रहता है, काफ़ी परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड रहता है, परंतु अंततः उसको एक ही चीज़ मदद कर सकती है और वो चीज़ है उसकी स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटी। आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी प्रकार के माहौल में हो, जीवन की यात्रा के दौरान अगर आपको वास्तव में कोई मदद कर सकता है तो आपका एक मजबूत व्यक्तित्व, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, उससे अतिरिक्त और कोई आपको मदद नहीं कर सकता। तो इंसान को अपनी सारी जो जीवन ऊर्जा है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही खर्च करनी होगी। अगर तुम कमज़ोर रहोगे तो ये संसार में कोई दया नहीं है, यहाँ के लोगों में कोई दया नहीं है, वो तुम्हें नोच लोगे, तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य की धज्जियाँ उड़ा देंगे। तो हर तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की ही कोशिश करो, क्योंकि तो जितने तुम स्ट्रॉन्ग होते जाओगे उतना ही तुम्हें इस यात्रा में, जीवन के युद्ध में जो भी परिस्थितियाँ तुम्हारे सामने आ रही है उससे लड़ने में मदद मिलेगी। क्योंकि तो हम जंगल से आए हैं, अभी भी जंगल का ही कानून है, इधर जो कमज़ोर है उसको यहाँ जीने नहीं दिया जाता। तो आपको मजबूत होना होगा, अपने हक के लिए खड़ा होना होगा और अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनाओ कि कोई 100 बार सोचे आपसे बात करने में, आपको छेड़ने में लोग 1000 बार सोचने चाहिए। ऐसी मतलब ऐसी डेलिकेट मासूम पर्सनालिटी या व्यक्तित्व लेकर के मत घूमिए, यहाँ चारों ओर भेड़िए हैं, भेड़िए आपको नोच लेंगे। तो मैं काफ़ी सारे लोगों को यही बोलता हूँ कि सारा प्रयास और पुरुषार्थ अपने आप को मजबूत बनाओ, ये काल ऐसा है, समाज जीवन ऐसा है, राष्ट्र के तौर पे भी भारत को मजबूत बनने की ज़रूरत है, समाज के तौर पे भी और व्यक्तिगत तौर पे भी। अगर आप मजबूत नहीं होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई आपको नहीं बचा सकता। अंततः आपको स्वयं ही स्वयं की जो लड़ाई है वो लड़नी है।